अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 28 जनवरी को मतदान होगा। चुनाव को लेकर क्षेत्र में इन दिनों काफी गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस के लिए यह सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी भी गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव की तैयारियों को लेकर अलवर पहुंचे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र भंवर सिंह, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, श्रम मंत्री टीकाराम जूली और वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रामगढ़ का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री और चुनाव प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि रामगढ़ में इस बार सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस जीत रही है रामगढ़ में, 36 कौम के लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और सवाल यह है कि कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है जी। इस सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने का चुनाव है। रामगढ़ के मतदाता इस बात को जानते हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा, 36 कौमों की भलाई होगी और जो यहाँ समस्याएं सामने हैं पिछड़ेपन के रूप में, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो चिकित्सा सुविधा की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, हर दृष्टिकोण से इस इलाके में पिछड़ापन है। और दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, 5 साल सरकार के साथ भी विधायक रहे वही, लेकिन विकास यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति चलती रही, पोलराइजेशन करने की राजनीति चलती रही और जहाँ जहाँ इस तरह की राजनीति होती है वो इलाके पिछड़ते हैं। 48 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो गया जी, पेंशन बढ़ाई गई, जो हमारी घोषणा पत्र है उसके अंदर लिखा था हम चाहते तो 4.5 साल बात करते, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी ने जो एक विश्वास पैदा करा है राजनीतिक हटियों के अंदर, जो विश्वास उठ चुका था उससे लोगों में बहुत उत्साह है। मैं पूरे प्रदेश से, पूरे जिले से हमारे सभी वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा जोश है और ये चुनाव हम हजारों वोटों से जीतेंगे।